जटिल शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। पुरानी देनदारी भी निपटा सकते हैं। दूसरों का मूड समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिल सकती है। धैर्य और समझदारी रखें। परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। कोई भी फैसला शांति से लें। वाणी भी मधुर रखें तो आपके लिए अच्छा है। बड़े लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। नई चीजें सीखेंगे। लेन देन में फायदा होगा। लालच ना करें। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल अच्छा हो सकता है। नेगेटिव अपने बचाव में किसी से बस हो सकती है। उलझी हुई स्थितियां बनने के भी योग हैं। अचानक किसी घटनाक्रम से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ लोग आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। ऑफिस या फील्ड में आपका विरोध हो सकता है। क्या करें? हरी सब्जियों का सूप पिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिल सकती है। समय भी अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस में उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। बड़े और जोखिम भरे निवेश करने से बचना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ बदन दर्द हो सकता है। आंखों में भी जलन हो सकती है। वृष्टाजी परिवार का माहौल आपके लिए अच्छा हो सकता है। धार्मिक गतिविधि में भी शामिल होने के योग बन रहे हैं। दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा हो सकता है। जरूरी काम और संबंधों के बारे में विचार करें, योजना बनाएं। चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें भाव में होने से आपकी योजनाएं सफल हो सकती है। परिवार रोमांस से जुड़ी कोई परेशानी भी खत्म होने के योग है। नए सिरे से कोशिश करें। आज आप सफल हो सकते हैं। दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। नौकरी धंधे की परेशानियां खत्म होने के योग हैं। काम में मन लगेगा। सहयोग और सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, आज कुछ मामलों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। पैसा बढ़ाने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। वाहन से चोट लग सकती है। क्या करें? आधा कप फीका दूध पिए। लवस्मय अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। प्रेम बढ़ेगा। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए फायदे वाला दिन हो सकता है। अधिकारियों की मदद से धन लाभ के योग है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ चोट लग सकती है। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन पॉजिटिव मिथुन राशि वालों के लिए दिन शुभ कहा जा सकता है। जो भी नया करना है आज कर ले। आसपास और साथ के लोगों को खुश करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटा सकते हैं। कामकाज निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आज आपको सकारात्मक रहना होगा। धैर्य और विनम्रता रखें। पुरानी समस्याओं पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है। समाधान भी मिल सकता है। आपकी सलाह से दूसरों को फायदा मिल सकता है। नए काम के लिए किसी से सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों से फायदा होने के योग हैं। नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि भी और बढ़ सकती है। बिजनेस अच्छा रहेगा। फालतू खर्चे कम हो सकते हैं। अधिकारियों से व्यवहार अच्छा रहेगा। नेगेटिव, आज आप कुछ जरूरी काम टाल सकते हैं। जायदाद से जुड़े कामकाज में सावधानी रखने की जरूरत है। आलस्य से भी परेशानी हो सकती है। सुस्ती और नकारात्मक सोच के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं। उलझी हुई स्थिति में दखल देने से बचना होगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर लापरवाही कर सकते हैं। इससे नुकसान होने की संभावना है। क्या करें? अंजीर या इससे बनी मिठाई खाएं। लव पार्टनर पर भरोसा करें। एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे तो संबंधों में सुधार हो सकता है। करियर कामकाज भी ज्यादा हो सकता है। आलस्य ना करें। लापरवाही के कारण स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, महिलाओं को कमर के निचले हिस्से के रोग परेशान कर सकते हैं। बदन दर्द या आंखों में जलन भी हो सकती है।
कर का जटिल समस्याएं निपट सकती है। काम धंधे पर ध्यान देंगे, जहां तक हो सके सकारात्मक और कॉन्फिडेंट रहे, जरूरी काम काज निपट सकते हैं। विपरीत लिंग वाले लोगों से संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है, दोस्तों और भाइयों से मदद मिल सकती है, सोचे हुए काम भी पूरे होने की उम्मीद है, यात्रा में भी सफलता के योग है, जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, बिजनेस बढ़ सकता है। नेगेटिव कुछ लोगों पर और कुछ काम पर संदेह रहेगा, असुरक्षा की भावना भी रहेगी, कुछ कागजी कामों में भी रुकावटें आने के योग हैं, कानूनी मामले अटक सकते हैं, जिद करने से कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। किसी की बुराई करने से बचें, क्या करें, मूंग की दाल या सब्जी में पूरे मूंग खाएं। लवलव लाइफ के लिए दिन ठीक है, किसी से प्यार का इजहार करना हो तो कर दें, दिन अच्छा है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। करियर, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अनुभवी से सलाह ले लें, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, हेल्थ चोट या मोच आ सकती है, गाड़ी सावधानी से चलाएं। सिंह का जटिल चंद्रमा गोचर कुंडली के दूसरे भाव में है, आपकी भावनाएं भी चेहरे पर साफ नजर आएंगी, लिहाजा अच्छा सोचें और अच्छे ही काम करें। पैसों के क्षेत्र में नई और सकारात्मक शुरुआत वाला दिन कहा जा सकता है। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम या कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करें, फायदा होने के भी योग हैं। किसी बिगड़े रिश्ते को सुधारने में आप सफल हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें, कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। रोजगार के मामले में किसी से सलाह जरूर करें, पार्टनरशिप में भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी या किसी तरह की संपत्ति के मामले में बड़े फैसले हो सकते हैं। नेगेटिव, अपनी उदारता पर कंट्रोल करें, पैसों से जुड़ी कोई बड़ी टेंशन हो सकती है, किसी बड़े काम में घबराहट भी रहेगी जिससे नुकसान का डर रहेगा। आज आप खर्चे में अति करने से बचें, जोश जोश में आपकी जेब भी खाली हो सकती है, बुरी आदतों के कारण आपकी परेशानी बढ़ने के योग है, नशे से दूर ना होगा, क्या करें, खाने के साथ शक्कर या कोई सफेद मिठाई खाएं। लव, लोगों की बातों और विचारों को अपनी लव लाइफ में न आने दें, आपके संबंध भी थोड़े नाजुक हो सकते हैं। करियर, बिजनेस में आपको फायदा होने के योग है, नए लोगों से मुलाकात या बातें हो सकती हैं, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ, संतान की सेहत से जुड़ी टेंशन रहेगी, आपकी सेहत भी थोड़ी नरम हो सकती है। कन्या का जेटिव, अपना मूड ठीक रखें, आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से दिन ठीक रहेगा, निजी जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करें, आपकी ज्यादातर योजनाएं पूरी हो सकती हैं, यात्राओं से फायदा होगा, लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल रहेगा, आपका मूड भी सकारात्मक रहेगा, किसी भी मामले पर बहस करने से बचें, कामकाज सामान्य रहेगा, सेहत के मामले में दिन अच्छा है। नेगेटिव, किसी को अपनी बातों से सहमत करवाना चाह रहे हैं तो सावधान रहे, जबरदस्ती से आपको ही नुकसान हो सकता है, कुछ मामलों में मन भी कमजोर हो सकता है, दिन भर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सोची हुई योजनाओं पर पूरी तरह काम नहीं होने से आपका मूड खराब हो सकता है, आपकी जिद से दूसरों को भी परेशानी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, क्या करें, बिना लहसुन का खाना खाएं। लव, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल सकता है, प्रेमी आपकी केयर करेगा, शारीरिक सुख भी बढ़ सकता है। करियर, बिजनेस और नौकरी से जुड़े कुछ बड़े प्लान बन सकते हैं, स्टूडेंट्स को मदद नहीं मिलने से पढ़ाई में मन कम ही लगेगा, हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहे, पेट खराब हो सकता है। तुला का जटिल, दोस्तों और परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे, कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है, आने वाले दिनों के कामों की योजना बन सकती है, कुछ नए काम अचानक सामने आ सकते हैं, हर तरह के काम निपटाने के लिए तैयार रहें, आपको सोचे हुए कामों से भी फायदा होने की संभावना है, कोशिश करें सफलता मिल सकती है, शांत रहें,
अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करें। बिजनेस या नौकरी में नए एग्रीमेंट होने के योग है, समाज में सम्मान मिल सकता है। नेगेटिव आलस्य ना करें, किसी भस में ना फंसे। कोई आपको चुनौती दे तो उसे गंभीरता से न ले। अपने विचारों को लेकर आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में आप लापरवाह हो सकते हैं, किसी बात से घबराहट हो सकती है। आने वाले एक दो दिनों में यात्रा के योग बन रहे हैं, मेहनत भी ज्यादा हो सकती है, आपके काम काज या व्यवहार की बुराई भी हो सकती है, भाग दौड़ भी रहेगी। क्या करें, चने की दाल खाए या किसी ब्राह्मण को दान दें? लव, अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिलने के योग है। शादीशुदा लोग पार्टनर से रूखा व्यवहार कर सकते हैं, अनबन होने की संभावना बन रही है। करियर ऑफिस के अलावा दूसरे कामकाज में भी आप व्यस्त हो सकते हैं, अधिकारियों की कोई बात भी आपको परेशान कर सकती है, मन मारकर कुछ काम करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सहयोग और सफलता मिलने की संभावना है। हेल्थ सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, चोट लग सकती है, पुराने रोग भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। वृश्चिक, पॉजिटिव निजी समस्या सुलझ सकती है, काम धंधा भी अच्छा चलेगा, दोस्तों से मिलने की कोशिश करेंगे, पुराने दोस्तों से बातचीत हो सकती है, किसी अच्छे दोस्त से सलाह मिल सकती है, आपको किसी की मदद की जरूरत भी रहेगी। पॉजिटिव नजरिए से जरूरी काम पूरे होने के योग है, काम काज निपटाने के नए तरीके मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। नेगेटिव, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकता है, मानसिक परेशानियां रहेंगी, थोड़ी दौड़ भाग भी होगी, कुछ अपेक्षित लोगों से सहयोग नहीं मिलने के कारण दुखी हो सकते हैं। क्या करें, त्रिफला चूर्ण खाएं? लव, जीवन साथी की भावनाओं को समझें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। प्रेमी से झूठ ना बोलें। करियर, अटके हुए काम काज पूरे होने से धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, कफ संबंधी रोग आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, पेट दर्द रहेगा। धनु, पॉजिटिव व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है, प्रेम संबंधों में गहराई और अपनापन आपको महसूस हो सकता है, किसी भी गलतफहमी को शांति से दूर करने की कोशिश करें, किसी ना किसी कारण से आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है, जमीन जायदाद से जुड़े काम निपट सकते हैं, साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान दें, रोजगार के क्षेत्र में नई उपलब्धि मिलने के योग है, बिजनेस में फायदा हो सकता है, घरेलू जरूरत की चीजों की खरीदारी हो सकती है, लेन देन भी तेज हो सकता है। नेगेटिव, अचानक होने वाली कुछ घटनाओं से परेशानी हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई भरोसेमंद और खास व्यक्ति आपको हर्ट कर सकता है, किसी काम में जल्दबाजी ना करें, कानूनी विवादों में भी आज आप उलझ सकते हैं, समय खराब हो सकता है। क्या करें, उड़द की दाल खाएं या दान दें? लव, पार्टनर पर भरोसा बढ़ सकता है, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, करियर फायदे के योग बन रहे हैं, काम धंधे में आप आगे बढ़ सकते हैं, फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। हेल्थ सेहत के मामले में दिन थोड़ा ठीक हो सकता है, शारीरिक रूप से परेशान लोगों को राहत मिलने के योग है। मकर, पॉजिटिव, काम काज ज्यादा रहेगा, दिन भी अच्छा है, ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए किसी से बात हो सकती है, इसमें आपको सफलता मिलेगी, काम पूरे होने के योग है, सक्सेस के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है, नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, इस पर विचार करके देखें, पैसों की स्थिति में भी सुधार होने के योग है, थोड़ी कोशिश करें तो फायदा हो सकता है, कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र या बिजनेस में चुनौती दे तो उससे विवाद टालने की कोशिश करें, आज आप स्थितियों को दूसरों के नजरिए से समझने की कोशिश करें, प्रेमी के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आज निपट सकते हैं, नई सोच बनेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आज आपको वाहन सुख भी मिलेगा,
नेगेटिव गुस्से पर कंट्रोल करें, आपका मूड भी खराब हो सकता है। खान पान पर कंट्रोल रखें, किसी पर अपने काम या विचार थोपने की कोशिश ना करें। क्या करें? पपीता खाएं या किसी अपोजिट जेंडर वाले को भी खिलाएं? लवदाम पत्ते जीवन में खुशियां बढ़ सकती है। कोई अच्छी खबर मिलने के भी योग बन रहे हैं। प्रेमी से सहयोग मिल सकता है। करियर फायदे के सौदे हो सकते हैं। ऑफिस में भी थोड़ा धन लाभ भी हो सकता है। कुछ मामलों में स्टूडेंट्स को किस्मत का साथ मिलेगा। हेल्थ सेहत फले से सामान्य रहेगी। दर्द या जलन में आराम होने की संभावना है। कुंभ पॉजिटिव, अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का मन बनाकर चलें। कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। पुरानी बातें भी आपको याद आ सकती है। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ने के योग है। आर्थिक स्थिति फले से सामान्य हो सकती है। आपकी व्यवहार कुशलता के कारण अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। पैसों से जुड़े कुछ मामलों में भी सफलता के योग बन रहे हैं। बिजनेस में आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। नेगेटिव संयम रखना होगा। खुद पर तनाव हावी ना होने दें। आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी मौके पर आपका व्यवहार ही आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। पुराने मामले और समस्याएं फिर सामने आ सकती हैं। परेशानियां भी थोड़ी बढ़ने की संभावना है। कामकाज में रुकावटें और मानसिक उलझन की स्थितियां बन सकती है। परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कोई दोस्त या परिचित अपने काम से आपको काफी समय तक बिजी रख सकता है। क्या करें? खाने में थोड़ा से अदरक का उपयोग भी करें। लव प्रेमी से अनबन होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के लोग वाणी पर काबू रखें। पुरानी बातों में उलझने से बचें। करियर लेन देन में भी सावधानी रखें। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। खाने पीने में सावधानी रखें। मीन पॉजिटिव, अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम निपटा लेंगे। आप व्यस्त हो सकते हैं। आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। धैर्य से काम लें। प्रेमी, संतान, परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय बीत सकता है। आपके लिए दिन संतोषजनक हो सकता है। रोजगार में स्थितियां फले से ठीक होने की संभावना है। नए ऑफर मिल सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स पर ध्यान दें। संतान पर भी नजर रखें। परिवार में मांगलिक कामों की योजना बन सकती है। नेगेटिव, आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके कामकाज में रुकावटें पैदा कर सकता है। किसी से अनबन होने के योग बन रहे हैं। मीन राशि के लोग सावधान रहें। चाहे जैसी भी स्थिति बने, आज कर्ज न लें। क्या करें? दिन में 1 टाइम सलाद जरूर खाएं। लव लाइफ से जुड़े पुराने मतभेद दूर होने के योग हैं। पति पत्नी के संबंध सुधर सकते हैं। करियर, बिजनेस और नौकरी के लिए मिलाजुला दिन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ, सेहत फले से ठीक रहेगी। थोड़ी थकान और आलस्य हो सकता है।